हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे बीएड सिलेबस के अकॉर्डिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी बुक से हमारी जो फोर्थ यूनिट है दैट इज़ एप्लीकेशन आईसीटी इन एजुकेशन। सो जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है इंटरनेट। इंटरनेट से आप सभी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, उसी के बारे में हम कुछ और चीज़ें देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इंटरनेट होता क्या है, तो ये नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है या इलेक्ट्रॉनिक वेब कह सकते हैं हमें, या इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी इसे हम कह सकते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा ऑटोनोमस कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं इस तरीके से कि वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर सकें, अपने रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और बेटर परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकें, उसी को हम नेटवर्क कहते हैं। अब ये जो शेयरिंग हो रही है ग्लोबल लेवल पर, उसी को हम क्या कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है सभी वर्ल्ड वाइड स्मार्ट नेटवर्क्स को। अब हम WWW टेक्नोलॉजी इंटरनेट का यूज़ करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशंस को ताकि वो अचीव कर सके ऑटोमेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ये, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ कंप्यूटर्स बनाते हैं। सेकेंडली है डिसऑर्गेनाइज्ड। जो इंटरनेट है वो डायनेमिक है इसलिए डिसऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क कहलाता है। ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, कभी कभी हमें या यूज़र्स को एक्सपीरियंस करना पड़ता है बैड नेटवर्क भी। देन है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, मिलियंस ऑफ डिस्टिंक्ट नेटवर्क्स और कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं इसमें ग्लोबली। देन कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ फाइल इंफॉर्मेशन, हर एक या जितने भी पॉसिबल टॉपिक है उस पर हमें इसमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है इसके ज़रिए। देन है एक्सटेंसिव यूजेस, मिलियंस ऑफ जो यूज़र्स हैं वो इसे एसेस कर पाते हैं रेगुलरली। वर्ल्ड वाइड स्कीप है, स्कोप है, इंटरनेट जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड यूज़ कर रहे हैं अलग अलग रीजन्स के लिए, या तो फाइल शेयर करनी है, कुछ सर्च करना है या ईमेलिंग करनी है, मैनी अदर्स बहुत सारे उनके पास रीजन्स हैं। देन आता है डायनेमिक, तो हर एक सेकेंड कुछ इंफॉर्मेशन शेयर्ड होती है इंटरनेट पर, और जो इंटरनेट है वो डायनेमिक है क्योंकि ये अपने आप को हर पल चेंज करते रहता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो ग्रोथ है इंटरनेट की वो एक्सपोनेंशियल है। करंटली अगर हम देखा जाए तो इसका जो साइज़ है हर 18 महीने पे बढ़ता जाता है, डबल होते जाता है। अब हम कुछ कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं इंटरनेट के। तो सबसे पहला है क्लाइंट, सर्वर्स एंड नेटवर्क्स। क्लाइंट्स पीसी, जिनकी रिक्वेस्ट पे इंफॉर्मेशन सर्वर से हमें प्राप्त होती है। सर्वर कंप्यूटर, ये पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि साइमल्टेनियसली फुलफिल करते हैं रिक्वेस्ट की अलग अलग क्लाइंट्स की। देन आते हैं नेटवर्क, इसको हम वेब से भी संबोधित कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के सर्वर कंप्यूटर्स और न्यूमेरस क्लाइंट पीसी, इसको हम नेटवर्क कहते हैं। देन आता है TCP/IP, इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये रूल है या प्रोटोकॉल कह सकते हैं जो अलाउ करता है कम्युनिकेशन या ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, किन के बीच में, तो कंप्यूटर्स और कनेक्टेड इंटरनेट के बीच में। अब इसमें लोकेशन टाइप और स्पीड के हिसाब से ये सारे कार्य होते हैं। कोई कंप्यूटर इस प्रोटोकॉल के बिना एबल नहीं हो पाएगा कनेक्ट करने के इंटरनेट से। देन आती है बैंडविड्थ, तो स्पीड ऑफ इंटरनेट जो है इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड, इसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। ये बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर के बीच में किसी पीरियड ऑफ टाइम में। देन आता है वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ये एक सिस्टम है जो सपोर्ट करता है स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स को। ये स्पेशल फॉर्मेट्स प्रोवाइड करते हैं हाइपरलिंक ताकि हम एसेस कर सके अदर डॉक्यूमेंट्स को। ये साथ ही साथ हमें ये सपोर्ट करता है ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स को भी। देन आते हैं वेब ब्राउज़र, सिंपली इन्हें हम ब्राउज़र भी कह सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये यूज़ किया जाता है एसेस करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए एंड नेविगेट करने के लिए इंफॉर्मेशन जो कि WWW URL पे अवेलेबल हो। अब URL क्या होता है, तो URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
जिसको हमें एंटर करना पड़ता है ताकि हम कोई भी सर्चिंग प्रोसेस कंप्लीट कर पाएँ। ओके, अब अगर हमें ई कॉमर्स जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ई कॉमर्स की साइट हमें खोलनी है तो हमें उसका यूआरएल डालना पड़ेगा https://tppl.org.in/। जब तक हम ये यूआरएल नहीं डालेंगे तो हम उस वेबसाइट पे नहीं जा पाएंगे। सिक्स नंबर पे आता है हमारा FTP। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसे यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के ज़रिए। देन आती है चैट। समटाइम क्या होता है कि लाइव डिस्कशन या कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म होता है इंटरनेट के द्वारा, या एक इंटरनेट रिले चैट भी यूज़ किया जाता है ताकि एग्जीक्यूट कर सके लाइव डिस्कशंस को। ओके, MSN, Skype इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एट थे हमारा सर्च इंजन। कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए www पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, उसी को हम सर्च इंजन कहते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है हमारा गूगल, जो कि एक सर्च इंजन है। देन हम इसकी फंक्शनिंग और वर्किंग देखेंगे इंटरनेट की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इंटरनेट का कि वो लिंक कर पाता है पर्टिकुलर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट में, डाटा में, प्रोग्राम फाइल्स एक्सचेंज कर सकते हैं उनके बीच में। प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो हैं इंटरनेट पे वेरिएशन ऑफ ऑल अदर एक्टिविटीज़ हैं। इंटरनेट जो है कैन बी थॉट एज अ पाइपलाइन जो कि कैरी करता है डाटा कंप्यूटर्स के इर्द गिर्द। यहाँ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में, लेकिन फिर भी वो कनेक्टेड रहते हैं स्मॉल नेटवर्क से। गेटवेज का यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए इन नेटवर्क्स को इंटरनेट से। इसी रीज़न की वजह से इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं जिसके थ्रू जो लोकल नेटवर्क्स हैं वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और सभी के पास अपनी इंफॉर्मेशन जाती है। या हम राउटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये था कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। बाय बाय।